अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल एज ए फ्रीलांसर। अगर आप फ्रीलांसर हैं, मोस्टली लिस्टिंग प्रमोटर जो होते हैं उनको ये यूज़ करना पड़ता है पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तान से पेपाल का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अदद मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, वर्चुअल नंबर जो आप हशद ऐप से या विक्की या टेक्स्ट नाउ वट एवर जहाँ से आप परचेज करना चाहें, जिस कंट्री के लिए आप बनाना चाहें या जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपको चाहिए होगा एक वैलिड ईमेल आईडी जो आपके पास मौजूद होना चाहिए, और जो नंबर होना होगा आपके पास वो परचेज़ किया हो ताकि उस पर OTP आ सके और आप पुट कर सकें। ये दो चीज़ होने के बाद आप कोई भी रैंडम सा एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस पुट कर सकते हैं। ये तीसरी चीज़, ये तीन चीज़ें होंगी आपके पास तो आप पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट करने का तरीका यह है कि आप paypal.com पर जाएंगे। जब आप paypal.com को ओपन करेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, बिज़नेस और पर्सनल अकाउंट। तो आप पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना कंट्री या रीजन सेलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट, वट एवर जहाँ पर भी आप ओपन करना चाहते हैं या जहाँ का नंबर आपके पास मौजूद है। मेरे पास यूके का इस वक्त, तो मैं यूके का ये पुट कर देता हूँ नंबर। जब नंबर पुट कर दूँगा तो इसके बाद आपके पास नंबर मौजूद होगा और इस पर OTP आएगा, तो आप OTP से कन्फर्म करना होगा। अभी मैं इसको आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्रिएट नहीं कर रहा अकाउंट, तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगा अभी। ये यहाँ पर आपको OTP आएगा, वो OTP जो है उसके बाद, OTP के बाद आपको ईमेल देना होगा और ईमेल कंफर्म करने के बाद आप एक एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा और इसमें आप पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठकर भी पेमेंट इसमें ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा इशू यह है कि इसकी थोड़ी ट्रांजेक्शन फ़ीस जो है ज़्यादा होने की वजह से हम इसे कम यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई आपके कॉन्टेक्ट में है, सेलर है या क्लाइंट जो के जिसके पास पेयोनीर अवेलेबल नहीं है, तो आप तब ये यूज़ कर सकते हैं और ये एक प्रेफरेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं पहले RID अकाउंट मेरे पास मौजूद है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ये जो अकाउंट है ये मैं लॉगिन कर देता हूँ। मैं इससे ट्रांजेक्शन भी काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ। कनाडा से पेमेंट मैंने जब टेस्टिंग करनी थी तो मैंने कनाडा से $20 मंगवाए थे, एक जानने वाला था वहाँ पर, तो जब मैंने पेमेंट फर्स्ट टाइम मंगवाई थी तो रिसीव भी हो गई थी और ट्रांजेक्ट भी हो गई थी। अभी भी कुछ अमाउंट खड़ी है, देख सकते हैं $0.22 अभी मौजूद हैं, लेकिन ये तो अभी इसकी मिनिमम है $50, तो ये विड्रॉ नहीं हो सकते, नहीं तो आपको करके दिखा देता मैं। ये आप इससे सेंड मनी और रिसीव मनी आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पेपाल का अकाउंट मैंने यूज़ किया है, ये नहीं है कि आपको आप यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान से। मैंने यहाँ से पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट पर ट्रांजेक्शंस की हैं। आपको कुछ वेरिफिकेशन करनी होगी, जैसे कि नंबर वगैरह की जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी।